तो प्रीवियस क्लास में हम आपको माय फैमिली के बारे में बताया था, अभी मैं आपको आवर फेस्टिवल्स हमारे त्योहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। आवर फेस्टिवल्स हमारे त्योहार क्या हैं? वी सेलिब्रेट सम स्पेशल डे, दिस स्पेशल डे आर कॉल्ड फेस्टिवल। हम लोगों के लिए जो खास विशिष्ट दिन है त्योहार कहलाते हैं। फेस्टिवल्स आर फुल ऑफ फन एंड जॉय, उस दिन हम बहुत खुश और आनंदित रहते हैं। तो फेस्टिवल्स तीन प्रकार के होते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार बच्चों हम राष्ट्र भर में मनाते हैं और सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मनाते हैं, उसे हम राष्ट्रीय त्योहार के नाम से जानते हैं। दूसरा त्योहार है रिलीजियस फेस्टिवल, इसका हुआ धार्मिक त्योहार। हम जानते हैं कि भारत देश एक विशाल देश है और यहाँ तरह तरह के धर्म के लोग, कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख एवं ईसाई, और हर लोग अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स में हिंदू होली दीपावली दशहरा मनाते हैं, उसी तरह से मुस्लिम भाई ईद मनाते हैं, और सिख जो है गुरु पर्व मनाते हैं। इस तरह से अलग अलग त्योहार जो है धार्मिक त्योहार के नाम से जाना जाता है। तीसरा है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल कटाई। भारत कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ फसल कटाई के अवसर पर कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे उधर दक्षिणी भारत में पोंगल वगैरह के नाम से जो जाना जाता है वो फसल कटाई त्योहार है, और इधर हम लोगों को जो मकर संक्रांति होता है वो भी एक फसल कटाई के नाम से त्योहार जाना जाता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लें, आगे हम बताएंगे। तो आइए हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानें। नेशनल फेस्टिवल्स में पहला है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गांधी जयंती, पहला है इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गांधी जयंती, और तीसरा रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस। तो आइए आज हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानें। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर्स, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे इन 15 अगस्त 1947। It is celebrated great pomp of show and school, college and all offices. Flag is hoisted in the everybody sings national anthem. The PM hoisted in the national flag on the Red Fort in New Delhi. The student present colorful show sweet and distributed sweets.
तो आए हम समझे इसे, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम प्रति वर्ष मनाते हैं। इंडिया बिकेम फ्री, भारत इसी दिन स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947। इट इज सेलिब्रेटेड ग्रेट पॉम्प एंड शोर, इसे हम बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं सभी स्कूल कॉलेज एंड सरकारी ऑफिसों में। गांधी, दूसरा है गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर। इट इज बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। इट वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। ही लेड आवर फ्रीडम मूवमेंट। पीपुल विजिट हैड सम समाधि इन राजघाट, द प्रे एंड ऑफर। तो गांधी जयंती के बारे में हम लोग जाने, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर। इट इज बर्थ डे ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। यह गांधी जी का जन्मदिन है। ही लेड आवर फ्रीडम मूवमेंट, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व किए थे। पीपुल विजिट हिज समाधि राजघाट,
उनके जो समाधि राजघाट न्यू दिल्ली में है, जमुना किनारे, राजघाट इन न्यू दिल्ली, दे प्रे एंड ऑफर हिज समाधि। उनके समाधि पर हम लोग प्रार्थना करते हैं और चलो बच्चों अब हम इसे रेज कर रहे हैं और अगला गणतंत्र दिवस के बारे में बताने जा रहा हूं। गणतंत्र दिवस तीसरा है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र हम किसे कहते हैं? गणतंत्र मीन्स होता है जिसका शासनाध्यक्ष जनता द्वारा चुना गया हो, वहां जनता ही सर्वोपरि हो, उसे हम गणतंत्र के नाम से जानते हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ए रिपब्लिक डे। हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, अतः उसी वर्ष से हर साल हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाते हैं। तो आए रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी 26 जनवरी आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड। हमारा संविधान उसी दिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन आवर कंट्री बिकेम रिपब्लिक और गणतंत्र घोषित किया गया। इन रिपब्लिक पीपुल चूज हेड ऑफ द नेशन। हमारे हेड ऑफ मीन्स शासनाध्यक्ष, जो देश के शासनाध्यक्ष होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसी कारण उसे गणतंत्र कहा जाता है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लें, आगे हम थोड़ा और बताएंगे इस पर।
प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इंडिया गेट के पास झंडा फहराते हैं। और एक विशाल परेड को आयोजित किया जाता है वहां पर। रिपब्लिक डे बहुत महत्वपूर्ण दिन है।